नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ दिव्यांग। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो लेटेस्ट जानकारी है सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, दिव्यांगजनों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी की। आज दिव्यांगजन के पास कोई रोजगार नहीं है और इसी से हमारे दिव्यांगजन बेकार पड़े हुए हैं। और सरकारें और दिव्यांगजन के जो संगठन हैं, दिव्यांगजन की जो कुछ संस्थाएं हैं, वो इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। दिव्यांगजनों को रोज़गार मुहैया कराने के लिए जो दिव्यांगजन के संगठन और संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं उन अपने दिव्यांग भाई बहनों को एक बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं जो कुछ रोज़गार करना चाहते हैं, जो रोज़गार के लिए सोच रहे हैं। तो इस वीडियो में उनके लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, एक हमारे साथी हैं प्रेम प्रकाश मिश्रा, जो कि दिव्यांग हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सशक्त दिव्यांग आत्मनिर्भर ट्रस्ट के। तो इनके द्वारा ही दोस्तों ये हमें जानकारी भेजी गई है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मैंने सोचा कि मैं उन अपने दिव्यांग भाई बहनों तक ये जानकारी पहुँचा दूँ ताकि वो भी इस योजना का लाभ लेके कुछ रोज़गार कर सकें और एक सशक्त बन सकें, एक आत्मनिर्भर दिव्यांग बन सकें। तो दोस्तों, सशक्त दिव्यांग आत्मनिर्भर ट्रस्ट उसी के द्वारा इन दिनों एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है दिव्यांगजनों को रोजगार परक बनाने के लिए। तो दोस्तों, जो ये सूचना हमारे जो एक साथी हैं प्रेम प्रकाश मिश्रा जी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सशक्त दिव्यांग आत्मनिर्भर ट्रस्ट के, उन्हीं के द्वारा ये हमें जानकारी दी गई है जिसको मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सभी दिव्यांग भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि नई दिल्ली रामलीला मैदान में 8 दिसंबर को सशक्त दिव्यांग आत्मनिर्भर ट्रस्ट द्वारा तीन पहिया वाहन यानी कि ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जिन दिव्यांगजनों की दिव्यांगता 40% और 75% है, यहाँ पहुँच कर ई रिक्शा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹500 रखा गया है। रजिस्ट्रेशन करवाने के 6 महीने बाद आपको ई रिक्शा दिया जाएगा। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों इसमें क्या लगेंगे, जो ये ई रिक्शा दोस्तों हैं, ये बैटरी चलित जो ये रिक्शा है, ये दिव्यांगजनों को वहाँ पे मुहैया कराया जाएगा, इसलिए कि दिव्यांगजन भी एक सशक्त दिव्यांग बन सकें और उनके पास भी अपना एक छोटा मोटा एक रोज़गार हो। तो दोस्तों, जो ये ट्रस्ट है सशक्त दिव्यांग आत्मनिर्भर ट्रस्ट, उसके द्वारा दोस्तों एक योजना चलाई जा रही है दिव्यांगजनों को रोज़गार फरक बनाने के लिए। दोस्तों, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि जो 8 तारीख को ये प्रोग्राम होगा नई दिल्ली रामलीला मैदान में, तो किस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाना है। दोस्तों, इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं जो आपको लेके जाना है, आधार कार्ड, UDID प्रमाण पत्र, दो फोटो, मोबाइल नंबर के साथ आपको 8 दिसंबर 2023 को रामलीला मैदान में पहुंच के रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बाद में सशक्त दिव्यांग आत्मनिर्भर ट्रस्ट द्वारा सर्वे किया जाएगा और उसके बाद आय प्रमाण पत्र ई रिक्शा देने से 15 दिन पहले लिया जाएगा। दोस्तों, इसमें भारत के किसी भी राज्य से दिव्यांग भाई बहन पहुंच के इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। 8 तारीख को यह कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा। तो जो भी हमारे दिव्यांगजन ई रिक्शा चलाना चाहते हैं, जैसा कि मैं दोस्तों इस चित्र में दिखा रहा हूँ, इसी प्रकार का आपको ई रिक्शा दिया जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छी सूचना और एक बहुत अच्छी पहल इस ट्रस्ट के द्वारा की जा रही है। और दोस्तों, जो ये ₹500 शुल्क लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है ताकि जो अन्य दिव्यांगजन हैं इसके बाद उनको भी सशक्त बनाया जा सके और उनको भी रोज़गार मुहैया कराया जा सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जो लोग भी इच्छुक हैं और जिनकी विकलांगता या जिनकी दिव्यांगता 40% से 75% है,
जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद 8 तारीख को, 8 दिसंबर 2023 को सुबह 9 बजे नई दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंच के अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 रुपये रखी गई है, और आपको रजिस्ट्रेशन के 6 महीने बाद आपको ई रिक्शा मुहैया करा दिया जाएगा। तो इससे दोस्तों आप जो छोटा मोटा अपना आपको एक रोज़गार मिल जाएगा, और इससे आप एक आत्मनिर्भर दिव्यांग बन सकते हैं, और आप जो समाज की मुख्य धारा है उससे जुड़ सकते हैं, और अपना जीवन यापन एक मान सम्मान भरी ज़िंदगी के साथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।